Y20 चेयर होने के नाते मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मेरी पूरी टीम एक डेमोक्रेटिक एंड एलेबोरेटेड डिस्कशन के बाद हम जो कॉमनी खाने की है ये सर्वसहमति से आए। सर्वसहमति बनाना काफ़ी कठिन होता है, परिवार में हमें फ्रेंड ग्रुप में नहीं बना पाते हैं, लेकिन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 देशों से आए लोगों ने सर्वसहमति बनाई और भारतीय विचार और भारतीय एग्जाम्पल और उनके सुझावों के साथ उस कॉमनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और भारत के लिए भी। पिछले बार कंसेंस नहीं बन पाया था इंडोनेशिया में, हमने बनाया है काफ़ी अच्छा। मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है अपनी टीम पे भी और पूरी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से इतना शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कितना आपको प्रशासन की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से क्या क्या सहयोग? जहाँ तक रही क्रेडिट की बात, तो गाइडेंस और गाइडलाइन जो हमारे लिए एक लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, तो सर्वप्रथम क्रेडिट तो आदरणीय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया कि हाँ Y20 कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम, तो उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मिनिस्ट्री का जो सहयोग रहा उसके लिए मिनिस्ट्री को और आदरणीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि एक मंत्री 12 बजे 11 बजे 1 बजे रात को फ़ोन करके हमसे पूछते हैं, आदरणीय मंत्री की अनमोल कैसा चल रहा है, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या व्यू है, कल हमारा डिस्कशन चल रहा था 5 बजे रात तक उनसे बातचीत हो रही है, तो एक डेडिकेशन जो पूरी सरकार की हमारे और सपोर्ट रहा ये दर्शाता है। पूरी टीम जो मंत्रालय की थी वो काफ़ी सपोर्टिव था। उसके अलावा जो जिला टीम रही, पिछले महीने से हम ब्रेकिंग कर रहे हैं कहाँ लोगों को बैठाना है क्या करना है, इसमें जिला टीम और जिला प्रशासन का काफ़ी सपोर्ट रहा। और वन फोन कॉल पे DM साहब उपलब्ध रहते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी छोटी सी इशू हो ही वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। इट शोज द डेडिकेशन द टीम इंडिया, बेसिकली द टीम इंडिया वी हैव प्रूव्ड दैट वी कैन।